हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों पूरी दुनिया में अपने कुटिल चालों के लिए जाने जाते हैं। जहां चीन पूरी दुनिया में लैंड माफिया के देश के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के नाम पर पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान को अब वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़ों में हेराफेरी की है और इस बात से वर्ल्ड बैंक नाराज हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है कि वर्ल्ड बैंक किसी भी प्रकार का लोन पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान पर किसी भी लोन की रिकवरी के लिए भरोसा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़ों में हेराफेरी कर रहा है, जिससे वर्ल्ड बैंक खासा नाराज हो गया है। जहां एक ओर पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने भीख देने से मना कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार बेचैन हो उठे हैं। भारत और फ्रांस की बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत से नजदीकियों के चक्कर में फ्रांस को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सब मामला दो है, सिचुएशन एक जैसी है। एक तो जेनोसाइड वॉच के सरबरा ने जो मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से भारत के मुतालिका, दूसरी तरफ फ्रांस में इस्लामोफोबिया और सख्त होते हुए कवानीन है, इनके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे। देखिए ना, ठीक आपने कहा कि दोनों ममालिक का एक रवैया एक जैसा है। फ्रांसीसी भी जो है वो इस्लाम दुश्मनी में अपना सानी नहीं रखते और उसकी यादें बहुत पुरानी हैं। वैसे वो मुतसर फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा हैं, वैसे भी उसकी यादें स्पेन की फतह से वाबस्ता हैं, इसलिए कि फ्रांस का जो एक जनूबी इलाका है वो उस वक्त स्पेन का हिस्सा था। लेकिन इंडिया का मामला ये है कि ये एक आध दिन की बात नहीं है, ये रद्द अमल जब शुरू हुआ है औरंगज़ेब के ज़माने में। हालांकि औरंगज़ेब सबसे ज़्यादा लीनियंट था, उसने उसके जनरलों में, उसकी कैबिनेट में, उसके दरबार में हिंदुओं की बहुत बड़ी, उसने मंदिरों को ज़मीनें दी और मतलब ये कि वो चूँकि इस मामले में बहुत नरम खू था, तो एक दिन नमाज, तो शिवाजी के ज़माने से ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसको मैं कहता हूँ कि शिवाजी के ज़माने में हिंदू कौम परस्ती का भूत गारों से निकला और बरसरे बाजार नाचने लगा। ये गांधी नेहरू वगैरह ये ऐसे लेपापोती थी। वो हैदराबाद पे तो कब्ज़ा जो है वो कहा जाता है कि नेहरू का उसमें इतना अमल दखल नहीं था। कश्मीर पे कब्ज़ा किसने किया था? नेहरू ने किया था। गांधी जी ने दिखावे की भूख हड़ताल की और उसको उड़ा दिया, और उसका जो कातिल है वो हीरो है, आपको मालूम है। आप देखते नहीं कितनी फिल्में बनाते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, आईएसए के खिलाफ। मैं इमरान खान साहब को समझाता रहा कि जो जो राग का एजेंडा है, इंडिया का जो सियासी एजेंडा है, फिल्म इंडस्ट्री उसमें शामिल हो गई है। वो कहते थे नहीं, वो तो और भी बहुत सी बातें नहीं मानते थे। हुकूमत में आए तो क्या हर चीज उन्हें समझ में आने लगी जब सारी इंफॉर्मेशन आई उनके पास, तो बाबरी मस्जिद गिरा दी। और देखिए ये राम मंदिर बनना शुरू हो गया, उसमें भी कोई 400-500 आदमी शहीद हुए हैं। ये सरकारी तौर पे तो इतना ही मानते हैं, लेकिन दरअसल ज्यादा हुए हैं। वो तो मानती तो सारी दुनिया है, लेकिन इन चीजों को तो ही नहीं, रिसालत का भी यही मामला है। दुनिया ताकत की जुबान समझती है। देखिए ना, जब मक्का मुकरमा में थे जनाब रिसालत महाब, और ये फ्रांस के मुसलमानों को सब्र से काम लेना चाहिए, तामल से, ये नहीं करना चाहिए कि अपना हथियार उठा ले। हथियार उठाने का इख्तियार उन्हें नहीं दिया गया। मगर हारून साहब, अभी जिस तरह से हम पहले बात कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के मामले पर इंसान का जज्बा कंट्रोल नहीं कर सकता, फायदा नहीं होगा ना। देखो, उसामा ने जो कुछ किया उसको मुसलमानों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? रूस के बाद अफगान, ये कहते मेरा तो रब्ता था ना, मैं तो अफगान लीडर से मिलता रहता था कि अब हम फौज भी नहीं बनाएंगे कोई बड़ी, क्योंकि दुनिया में अब कौन पागल आके यहाँ उतरेगा। मगर उसामा बिन लादेन ने वो माहौल पैदा कर दिया ना। और मैं आज से कल भी मैंने आपका, मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर दहशतगर्दी के वाकयात हुए तो अमरीकी फौज वापस आएगी। मुसलमानों के खिलाफ जो हल्ला शेरी है, तो ये आपस के इख्तलाफात की वजह से ही है। जाहिर है, कमजोर को कौन माफ करता है दुनिया में?
तो यह है ना, इकबाल का शेर हमेशा दोहराया जाएगा, दोहराया जाता है और हमेशा दोहराया जाए। देखिए, जहाँ कहीं इतना जुल्म होगा, कहीं भी होता है, उसका नतीजा निकलता है। ठीक है, देखिए चीन ऐसे तो नहीं आगे बढ़ रहा है। चाइना का एक सी पैक के हवाले से मुझे बात करनी है कि वो चीनी वजारत खारजा ने जो हारून साहब एक बयान जारी किया सी पैक के हवाले से, उसकी क्या खास जरूरत थी? इंडियंस ने कहा है ना कि हम सी पैक को नहीं करने देंगे, और 700 अफराद के मलेशिया बने, आपको बताया था जी। कि वो मेरा ख्याल है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, चतराल में, इन एरियाज में, और यहाँ पे बलूचिस्तान में, और वो ISPR के डीजी ने कहा नहीं है कि ये बड़े शहरों में कार्रवाइयां करेंगे, और लोगों को भेजा गया है, भेजा गया 700 आदमियों को मलेशिया है। 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं सी पैक की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी बजट में। पाकिस्तान को बहुत मसाइल दरपेश हैं, अफसोस के लीडरों को इसका कोई एहसास नहीं है। चलिए, अफसोस वाकई ऐसा है, बिल्कुल। अब कल का जलसा अरुण साहब, देखना यह है कि इन लोगों को एहसास होगा। देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार भारत के बढ़ते कदमों की धमक से कांप रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत अगर अपनी पे आ गया तो सी पैक किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगा, और ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। जय हिंद, वंदे मातरम।